मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी करेंगे और उसके तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 50 प्रश्न मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे 51 से लेकर 100 प्रश्नों तक हम लोग हल करेंगे। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रश्न नंबर 51, प्रॉक्स टेलस कौन है? चार विकल्प दिया गया है तो यहाँ पे सही विकल्प जो होगा उसी का जिक्र किया जाएगा। तो यहाँ पे सही विकल्प है ऑप्शन बी, रोमन मूर्तिकार है। अगला प्रश्न है, पीतपाल सिंह लॉडी तथा जी रविंद्र रेही ने किस माध्यम को अपनाया? तो सही जवाब होगा यहां पे ऑप्शन डी, फायर गिलास को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53, देगा का सबसे प्रमुख विषय क्या है? देगा का सबसे प्रमुख विषय जो है वो है बैले नृत्य। ऑप्शन डी यहां पे सही होगा। अगला प्रश्न है, होली फैमिली किसकी पहली पेंटिंग है? होली फैमिली, तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, माइकल एंजेलो की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 55, लियोनार्डो दा विंसी की कौन सी पेंटिंग लुब्र म्यूजियम में है? ऑप्शन ई सही होगा, मोनालिसा। अगला प्रश्न है, राइफेल की प्रमुख पेंटिंग कौन सी है? राइफेल की पेंटिंग कौन सी है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, डांस फिग्रेशन। अगला प्रश्न है, पेंटर ऑफ सीरीज किसे कहते हैं? पेंटर ऑफ सीरीज कहा जाता है मोने को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, मोने, पिसारो, शिशली, देगा, रिंदार किस वाद के प्रमुख कलाकार थे? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्रभाववाद के। अगला प्रश्न है, हरक्यूलिस एंड सेंटर किस माध्यम में है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, धातु। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60, हिंगिया सोफिया गिरजाघर कहाँ है? हिंगिया सोफिया गिरजाघर कहाँ पर है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, इस्तांबुल। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पॉप कला के प्रसिद्ध कलाकार रॉबर्ट रोसेनबर्ग की कृति कौन सी है? रॉबर्ट रोसेनबर्ग की कृति कौन सी है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, मोनोग्राम। अगला प्रश्न है, जॉक दाविद द्वारा बनाई गई कौन सी कृत नवशास्त्रीय वाद का प्रथम चित्र माना जा सकता है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, होरिशा का प्राण। अगला प्रश्न है, किसने फ्रेंच चित्रकला में रोमन ग्रीक शैली को पुनर्जीवित किया जो नौ शास्त्रीय वाद में फैली? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दाविद। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, किस वाद का प्रमुख सिद्धांत था समयावच्छेद जिसके अनुसार वह भिन्न भिन्न समय के दृश्य प्रभावों को एक साथ चित्रित कर सकते थे? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भविष्यवाद। अगला प्रश्न है, सर्वोच्चवाद का उदय 1913 में कहाँ हुआ? बताइए सर्वोच्चवाद का उदय 1913 में जो हुआ था किस स्थान पर हुआ? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रूस मास्को। अगला प्रश्न है, रोमांचवाद रोमांटिज्म शब्द का अनुवाद है जिसकी उत्पत्ति फ्रेंच शब्द रोमा से हुई थी, रोमा शब्द का अर्थ क्या है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, कथा। आगे देखते हैं, रोमांसवादी चित्रकारों में सर्वश्रेष्ठ किसे माना जाता है? रोमांसवादी चित्रकारों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ मानते हैं देलुक्रा को। ऑप्शन बी यहां पे सही होगा। अगला प्रश्न है, रॉक गार्डन का निर्माण निम्नलिखित में से किस कलाकार ने किया था? रॉक है तो यहां पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नेक चंद्र सैनी। अगला प्रश्न है, चोलमंडल नामक
कला ग्राम का निर्माण किसके नेतृत्व में हुआ था? यहां पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, KCS पन्नीकर। अगला प्रश्न है, गौतम वाघेला ने लोक कला के अलावा किस कला को सम्मिश्रित रूप में विकसित करके सीमित रंगों द्वारा धार्मिक विषयों पर प्रभावी चित्रण किया? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लोक कला प्लस राजपूत कला। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 71, हुसैन व बद्री नारायण की कला के प्रमुख प्रेरणा सूत्र किसे मानते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लोक कला प्लस खिलौना। आगे देखते हैं, आपातकाल की घोषणा चित्र किसका है? आपातकाल की घोषणा, यहां सही जवाब होगा ऑप्शन सी, MF हुसैन। अगला प्रश्न है, प्रारंभ में जहांगीर साबावाला की कला स्पष्ट रूप से किस प्रकार की है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, घनवादी। अगला प्रश्न है, किसने चित्र भूत प्रेत का दुनिया के सदृश डरवाने हैं? किसके चित्र भूत प्रेत का दुनिया के सदृश डरवाने हैं? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, विकास भट्टाचार्य। अगला प्रश्न है, मदर टेरेसा की चित्र मालिका किसने बनाई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, MF हुसैन। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडिपेंडेंस डे प्रोसेस जो 14 फुट की एक विशाल पेंटिंग है किसकी है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आरा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, स्याही लगी प्लेट को साफ करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जूता कपड़ा, जूट का कपड़ा सॉरी। अगला प्रश्न है, लकड़ी के ब्लॉक से प्रथम पुस्तक कहाँ छपी थी? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। आगे प्रश्न देखते हैं 79, भारत में पहले पहल मैकेनिकल पेंटिंग लाने वाले कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ब्रिटिश। अगला प्रश्न है, स्केपर का इस्तेमाल किस में होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, खरोचने में। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा का मूल स्थान कौन सा है? तो राजा रवि वर्मा का मूल स्थान केरला है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा को अपने लिथो पेंटिंग जिसकी सहायता से बनाए वो कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बिट्रिस। अगला प्रश्न है, जापानी वुडकट प्रिंटिंग की जाती है, जापानी वुडकट प्रिंटिंग की जाती है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हाथ से। आगे प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 84, किस गुफा के एक चित्र ऐसा है जिसमें एक स्त्री का शोकाकुल स्थित में है जिसने कपड़े से मुंह को ढक रखा है? सही जवाब यहां पे होगा ऑप्शन बी, बाघ की गुफा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 85, किस गुफा के चैत्य में काष्ठ की सहतीरे लगी हुई मिलती है? सही जवाब यहां पे होगा ऑप्शन सी, भाजा की गुफा। अगला प्रश्न है, नासिक गुफा का निर्माण किन शासकों ने करवाया? सही जवाब यहां पे होगा ऑप्शन डी, आंध्रवंशी। अगला प्रश्न है, भाजा की गुफा इसलिए भी विशिष्ट है क्योंकि इसमें तो इसमें बिहार की मूर्तियां स्थापित है, ऑप्शन बी यहां पे सही होगा। अगला प्रश्न है, एलोरा की किस नंबर की गुफा तीन थाल के नाम से प्रसिद्ध है? एलोरा की गुफा संख्या 12 को तीन थाल के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, अजंता गुफा पर्वत के
कितने फुट भीतर काटकर निर्मित की गई है? सही जवाब यहां पे होगा ऑप्शन 120 फुट। अगला प्रश्न है, बिहार का निर्माण किस किस लिए किया जाता था? तो बिहार का निर्माण जो किया जाता है उपासकों को रहने के लिए, यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। आगे प्रश्न है, सूर्य मंदिर के गर्भगृह में किसकी प्रतिमा प्रतिष्ठित है? तो सूर्य मंदिर के गर्भगृह में सूर्य देवता की प्रतिमा प्रतिष्ठित है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, सा अस्तित्व किसका चित्र है? सा अस्तित्व जो चित्र है अशित हल्दार का है, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, वह कौन सा कलाकार है जो दो या दो से अधिक विषयों में पारंगत था? कौन सा कलाकार दो या दो से अधिक विषयों में पारंगत था? वो कलाकार का नाम है लियोनार्डो दा विंची। अगला प्रश्न है, सलवाडोर डाली किस देश के थे? सलवाडोर डाली किस देश से संबंधित थे? तो स्पेन से संबंधित थे, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। आगे प्रश्न है, प्रश्न नंबर 95, मुगल काल में प्रसिद्ध चिड़ियों का चितेरा कौन था? तो मुगल काल में जो प्रसिद्ध चिड़ियों का चितेरा है उसका नाम है मंशूर, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला विकसित हुई? तो किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला विकसित हुई, यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, अकबर के। अगला प्रश्न है, कौन सी चित्र शैली ईरानी चित्रों से प्रभावित हुई? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, मुगल चित्र शैली ईरानी चित्रों से प्रभावित थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 98, अमृता शेरगिल किस कलाकार से प्रभावित थी? अमृता शेरगिल किस कलाकार से प्रभावित थी? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पाल गोंग से प्रभावित थी अमृता शेरगिल। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 99, स्टोरी ऑफ मैन तथा फॉल ऑफ मैन कहाँ चित्रित है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, सिस्टेन चैपल। अगला प्रश्न देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, पैग प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के सदस्य निम्न में से कौन है? पैग प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का सदस्य निम्न में से कौन है? सही जवाब होगा एम एफ हुसैन, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे आपके पूरे 50 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगले वीडियो में ऐसे प्रैक्टिस सेट के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।